अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपका वेलनेस ट्रेनर नसीर। मुझे उम्मीद है कि आप जहां भी हैं खुश रहें और अल्लाह ताला आप लोगों को खैरियत से रखे। ओके लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज हम जो डिस्कस जो मेरा टॉपिक है ना, वो है कराची क्यों डूब रहा है। ठीक है, कराची में क्यों इतने सारे डेब्रिस है, कराची में जो क्योंकि वी आर पाकिस्तानी और पाकिस्तान में जो हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सिटी है वो कराची है। इससे पहले कराची क्यों नहीं डूब रहा था और अब क्यों डूब रहा है, अब क्यों कचरे का ढेर बन गया है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इसके अंदर सिर्फ गवर्नमेंट इज़ नॉट ओनली इन्वॉल्व्ड। ये कॉन्सेप्ट यानी पहले ज़माने में कराची में इंसान बसते थे, कराची में बाशऊर लोग थे, ज़हीन लोग थे। वहाँ पे ये मिनी पाकिस्तान कहलाता था। मुल्क भर से लोग यहाँ आके काम करते थे, गारमेंट्स फैक्ट्रीज़, केमिकल फैक्ट्रीज़, मैंने देखे थे जापनीज़ चाइनीज़ बहुत सारे इम्पोर्टेड चीज़ें यहाँ बन रही थी और पूरी दुनिया में जा रहे थे। ठीक है, तो एक गहमा गहमी था, कलरफुल था और एक डिसिप्लिन था। लेकिन वक्त बदलता गया, लोग बदलते गए। अब मैं इसको कंपेयर करूँगा। हाँ, मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान। मेरे पास वीडियो एडिटर नहीं है कि मैं आपको साथ साथ में वो चीज़ें दिखाता रहूँ, मगर जस्ट टू लिसन टू माई डिस्कशन कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर स्पेशली जो हुंजा है वहाँ पे भी तो देहाती रहता ना, देहात रहता है। यानी वो इतना बड़ा शहर तो नहीं है, शहर तो कराची है, शहर तो लाहौर है, सिटीज़ हैं ये तो गांव टाइप है। मगर यहाँ पे जो लोगों की कॉन्सेप्ट है ना, जो टूरिज्म जितने भी आते हैं यहाँ पे, बाकी दुनिया में तो जो प्लास्टिक पे बैन ना बाद में लग गया इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से, लेकिन हुंजा के अंदर ये बहुत अरसा से चल रहा है। फिर दूसरी तरफ ये कि हमारे यहाँ जो है वो बॉय स्काउट्स है, वॉलेंटियर्स है, इवन कि सीनियर सिटीजन है, ये भी टाइम टू टाइम 6 महीने में 1 साल में उठ के अपने गाँव के यानी उन उन इलाकों से वो कचरा जमा करके जला देते हैं। कि वो ये एक वॉलंटियर सर्विसेज है, ये एक कॉन्सेप्ट है, एजुकेशन है कि हमने साफ़ सफाई रखनी है। सफाई निस्फ ईमान है, ये इस्लाम का एक बुनियादी जुज़ भी है, मगर अनफॉर्चुनेटली हम इस पे अमल नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप हुंजा में ये चीज़ नहीं देखेंगे ये अक्सर। तो इसलिए कि कराची में गवर्नमेंट तो है ही, ठीक है गवर्नमेंट की कसूर हो सकती है, लेकिन टाउन मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, वेस्टेज सिस्टम नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ गई है, हम समझते हैं ये सब कुछ, मगर बेसिक कसूर कराची वालों का है इसके अंदर। दे आर ये सेंट्रल पॉइंट है कि वो इसमें अगर वॉलंटियरिज्म लाएं, इसके अंदर बॉय स्काउट्स आ जाए हैं, वॉलंटियर्स आ जाए हैं, मिल के गवर्नमेंट के साथ पब्लिक गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप में वो लोग क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम लाए हैं, दरख्त लगाए हैं, और इसी तरह से एक तो रेहान अल्लाह वाला साहब ने एक इनिशिएट किया था, मगर उसको आपने सपोर्ट करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो खुदा के लिए आपके जो काम है जो आप कर सकते हैं वॉलंटियरिज्म है, उसमें आपने कंजूसी नहीं करना है। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट कि आप अपने इन्वायरमेंट को, अपने जो जो जिसको कहते हैं जो शहर में रहने की तो एथिक्स है, ये तमाम चीज़ें किताबों में तो लिखी हैं, हम यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ते हैं, मगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, हम भूल गए। वो सिर्फ हमने याद करके हमने उसको एग्ज़ाम पास करने के बाद हमने उसको छोड़ दिया, ये यहाँ छोड़ना नहीं है। तो फिर हम अपने मस्जिदों में भी देखते हैं कि वहाँ पे भी हाइजीनिकली हमें चीज़ों को स्पेशली वॉशरूम्स है जो पब्लिक टॉयलेट्स है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं सिटीज़ के अंदर। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि मेजॉरिटी लोगों में ये अवेयरनेस डेवलप करना है। तो ये तब होगी जब आप इनिशिएट करेंगे और इसको ठीक करेंगे। तो आप हुंजा की मिसाल जैसे मैंने की बता दिया कि वहाँ बड़े बाकायदा तौर से डस्टबिन्स भी उन्होंने इस तरह से रखे गए हैं कि यहाँ पे फिर जो है ना बाहर से जो लोग होते हैं वो भी इम्प्रेस होकर फिर वहाँ पे वो डोनेट करते हैं चीज़ों को। कि वो इस तरह के यानी जो 5 स्टार होटल में होता है कि आपने कौन सी चीज़ किस चीज़ में डाली है, बॉटल्स को आपने अलग डालना है रिसाइकल के लिए,
उसके बाद जो वेस्ट मैनेजमेंट का जो पूरा प्रोसेस है उस हिसाब से डस्टबिन की भी फिर एक क्लासिफिकेशन होती है, किसी में अपने वेट चीज़ें डालनी है, किसी में अपने ड्राई डालनी है, किसी में अपने रिसाइकल वाले डालनी है। सो ये इस तरह से हम इन्वायरमेंट को पोल्यूशन होने से बचा सकते हैं। और जब जब इन्वायरमेंट क्योंकि ये इन्वायरमेंट हमारी माँ की हैसियत रखती है जैसे मदर, तो इन्वायरमेंट जितना नीट एंड क्लीन होगा इतने आपकी 50-70% जो बीमारी है ना, डिजीज है ना, ये नहीं रहेगा। सो अगर आप इसको समझते हैं, आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं, तो यू हैव टू इनिशिएट। कराची वालों, जाग जाओ, वेक अप और अपना कंट्रीब्यूशन दे दो। दिस इज़ योर सिटी, आपने यहाँ रहना है, आपके बच्चों ने यहाँ रहना, नहीं तो ब्लाइंड, डीफ और इमोरल और चिड़चिड़े जिससे कहते हैं जो पॉपुलेशन है ना, आप उसको जन्म देंगे और अल्टीमेटली ये होगा कि फिर आप मज़ीद यू विल गो बैक डाउन टू डिफरेंट लेवल। सो दिस इज़ जस्ट एक फैक्ट्स है, आई एम नॉट टॉकिंग अगेंस्ट एनी कराचियन, माशाल्लाह वेल एजुकेटेड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, मगर ऑब्वियसली वी लर्न फ्रॉम ईच अदर। सो दैट्स इट। सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल इफ़ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड अल्लाह हाफिज़।